अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं आपके साथ मुगलई चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और आप इसे देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस और माउथ वाटरिंग है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप इसे किसी भी छोटे से फंक्शन में बना सकती हैं, चाहे घर में बर्थडे हो, पार्टी हो या दावत हो, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ये सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। चलिए हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, आप चिल्ली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, 3 हरी इलायची, 3 पत्ते, 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 फूल, 6 लौंग और 1 चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पर मैंने घर में जमा की हुई मलाई ली है, आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, सॉल्ट टू टेस्ट, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, 2 चम्मच 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। प्याज मैंने रफली चॉप कर ली, आप इसे रफली ना काटें बल्कि मोटा मोटा काट लें पीसने के लिए, 1/2 कप दही। तो पहले हमने जो स्पाइसेस लिए थे इसे हमने फ्राई कर लेना है, कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे और जब खुशबू अच्छी सी आने लगेगी तो हम इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते रहना है हाई फ्लेम पर और इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो चलिए हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने इसे जार में निकाल लिया और इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो मैंने यहाँ पर बारीक काटी थी, आप मोटे मोटे काट कर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। प्याज में ऐड करेंगे काजू और बादाम और 1/2 कप पानी और अब अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया। अब एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चिकन डालेंगे मैरिनेटेड। अक्सर मुगलई चिकन में देखा जाता है कि चिकन को इस तरीके से फ्राई नहीं किया जाता, लेकिन मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी जो स्मेल है वो पसंद नहीं, तो इस वजह से मैंने इसे मैरिनेट कर लिया और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया। अब इस बचे हुए ऑयल में मैं यहाँ पर तेज़पत्ता डालूँगी, गरम मसालों को बिल्कुल मैंने अवॉइड किया है क्योंकि हमने पहले ही इसका एक पाउडर बना लिया है। तो जब हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही काजू बादाम का पेस्ट। इसे 2 से 3 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पर पका लेना है, फ्राई कर लेना है और चलाते रहना है लगातार हमें इसे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए लगातार। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो भी कच्चापन है, जो उसकी खुशबू है, वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इसे भी हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं साइड साइड में कि ऑयल जो है वो छूट चुका है, मसाले से अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही और अब दही को भी अच्छी तरीके से मिला लें। आप इस तरीके से लगातार चलाते रहें ताकि दही डालने की वजह से इसमें लम्स ना पड़े। तो अच्छी तरीके से आपको मिलाते रहना है और 2 से 3 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पर इसी तरीके से भून लेंगे।
इस तरीके से चम्मच चलाते हुए। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए गरम मसाले जो हमने रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया था, वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से बस मिक्स कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और हमारा फ्राई किया हुआ चिकन भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मलाई जो मैंने घर में जमा की थी। आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घर की मलाई का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे भी चिकन और मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला लें। इस तरीके से आपको चला लेना है, मिला लेना है। और अब यहाँ पर डालेंगे हम हाफ कप वाटर और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे ढक्कन रखकर पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इसे खोलकर देखा है। आप बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। तो 10 से 12 मिनट हमें पकाना है और 5 से 6 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कसूरी मेथी। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है हमें और फिर से हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे हाफ कप वाटर डालकर, क्योंकि जो हमने पानी डाला था वो थोड़ा मुझे कम लगा। तो मैं यहाँ पर हाफ कप वाटर का और इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और ढक्कन रखकर इसे फिर से 5 से 6 मिनट हमें लो फ्लेम पर पका लेना है, ताकि जो हमने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया उसका फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। तो ये देखिए हमारे 10 से 12 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकती हैं कि हमारा ये जो मुगलई चिकन है बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।